एवरीवन, वेलकम बैक टू फार्मेसी इंडिया लाइव। आज इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं डी फार्म सेकंड ईयर में जो हमारा सब्जेक्ट है कम्युनिटी फार्मेसी एंड मैनेजमेंट, उसमें आज हम चैप्टर 6 पढ़ने वाले हैं। और चैप्टर 6 में हम पढ़ेंगे मेडिकेशन अदरेंस, यानी कि दवा पालन, दवाओं का हमें पालन किस तरीके से करना चाहिए, उसके बारे में आज इस लेक्चर में हम डिटेल में बात करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले आप हमारे चैनल फार्मेसी इंडिया लाइव पर नए हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही साथ आप हमसे व्हाट्सएप के थ्रू जुड़ सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9389516306। इसको सेव कीजिए। सेव करने के बाद आप हमें जो है कैपिटल लेटर्स में व्हाट्सएप पे डीपी ने टाइप कर भेज दीजिए। आप तक लेटेस्ट फार्मा अपडेट पहुंचते रहेंगे, चाहे वो आपकी जॉब से रिलेटेड है या वो फिर आपके अकेडमिक से रिलेटेड है। साथ ही साथ आप हमारी एप्लीकेशन यानी कि प्ले स्टोर से फार्मेसी इंडिया मोबाइल ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, उसमें रजिस्ट्रेशन कीजिए। रजिस्ट्रेशन करने के बाद आप हमसे जुड़ सकते हैं, हमसे कनेक्ट कर सकते हैं। अब अपना टॉपिक स्टार्ट करने से पहले एक बार हम नजर डालते हैं सिलेबस पे, जो कि पीसीआई यानी कि फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया ने प्रिस्क्राइब किया है। तो हमें इसमें पढ़ना क्या है, मेडिकेशन अधेरेंस के बारे में पढ़ना है कि डेफिनेशन क्या होती है, इंट्रोडक्शन क्या होता है, फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग नॉन अधेरेंस यानी जो नॉन अधेरेंस है उसके लिए कौन कौन से फैक्टर्स है जो उसको इन्फ्लुएंस करते हैं, उसको बढ़ावा देते हैं, और स्ट्रैटेजीज टू ओवरकम नॉन अधेरेंस की हमारी क्या क्या स्ट्रैटेजीज हो सकती है कि हम नॉन अधेरेंस के ऊपर काबू पा सके, इनको हम खत्म कर सके। सबसे पहले तो हम बात करते हैं इसके इंट्रोडक्शन की कि हमारा ये मेडिकेशन अधेरेंस होता क्या है। उससे पहले जो हमारा मेडिकेशन अधेरेंस है इसको हम कहते हैं कि जब कोई भी पेशेंट दवाइयां लेता है, जो भी उसको ड्रग्स प्रिस्क्राइब करता है उसका डॉक्टर, जो कि डायरेक्टेड होती है किससे, या तो दिन में एक बार है, दो बार है, जब वो उनको प्रॉपर तरीके से फॉलो करता है, जो डॉक्टर ने उसे गाइडेंस दिया है, डॉक्टर ने उसे डायरेक्ट किया है कि आपको कौन सी दवा किस टाइम पर लेनी है, कैसे लेनी है, क्यों लेनी है, वो सारी गाइडेंस को जब फॉलो करता है तो वो हमारा मेडिकेशन अधेरेंस में आता है। साथ ही साथ जो ये मेडिकेशन अधेरेंस है इसको हम ये कह सकते हैं कि जब भी कोई पेशेंट अपनी मेडिकेशंस को, अपनी दवाइयों को सही समय से और सही तरीके से इस्तेमाल करता है तो उसे हम मेडिकेशन अधेरेंस कहते हैं, जो कि उसके डॉक्टर ने उसको प्रिस्क्राइब किया है कि कब किस समय और कैसे आपको ये दवाइयां लेनी है, कौन से रूट से लेनी है, किसके साथ देनी है, ये सब चीजें जब जो भी डायरेक्शन है डॉक्टर ने अपने पेशेंट को दी होती है, जब पेशेंट उसको फॉलो करता है तो वो हमारा मेडिकेशन अधेरेंस में आता है। इससे होता क्या है, जो भी डॉक्टर होते हैं उनका भी समय बचता है, वो और अच्छे से फिर पेशेंट को समझा पाते हैं अगर आगे जाके उन्हें अपना ट्रीटमेंट चेंज करना होता है। जब पेशेंट अच्छे से इंस्ट्रक्शंस फॉलो कर रहा है डॉक्टर के, तो डॉक्टर भी खुश हो जाता है और वो और अच्छे से फिर ट्रीट करना स्टार्ट करता है पेशेंट्स को। नेक्स्ट, जो भी एक सक्सेस होता है इसमें, जो फार्मासिस्ट है जब वो एक सही तरीके से एक पेशेंट को समझाता है कि कब कौन सी दवा आपको लेनी है, और जो वो पेशेंट है उसने फिर उन चीजों को अच्छे से समझा है कि कब कौन सी दवा कौन से रूट से उनको एडमिनिस्टर करनी यानी कि लेनी है, तो इसमें पेशेंट के साथ साथ फार्मासिस्ट का भी जो है एक तरीके से फायदा हो जाता है, ये कि उसे ज्यादा जो है कोई हिचकिचाहट नहीं करनी पड़ी, उस पेशेंट के साथ कोई जद्दोजहद नहीं करनी पड़ी जिससे कि उस पेशेंट को समझाना बहुत भारी पड़ गया था। जो उसका रिजल्ट होता है वो ये होता है कि जो फिजिशियंस की ड्यूटी होती है वो हाफ हो जाती है, यानी कि जो एक जो टेंशन होती है डॉक्टर की एक फिजिशियन की वो जो है कम हो जाती है, और साथ ही साथ एक जो हमारा बेसिकली फार्मासिस्ट होता है उसकी भी ड्यूटी थोड़ी सी कम हो जाती है, जिससे कि आगे जाके फायदा होता है और वो और अच्छे से ट्रीटमेंट प्रोवाइड करा पाते हैं। फार्मासिस्ट जो है ड्रग्स को अच्छे से प्रिस्क्राइब, ड्रग्स को अच्छे से कंपाउंड डिस्पेंस कर पाता है और पेशेंट को समझा पाता है, पेशेंट फिर आगे जाके उसको अच्छे से फॉलो करता है, सारे इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करता है। अब बात करते हैं मेडिकेशन अधेरेंस की, दोबारा थोड़ा सा और डिटेल में बात करते हैं। तो जो मेडिकेशन अधेरेंस होता है उसको हम दूसरे टर्म्स में ये भी कह सकते हैं कि टेकिंग मेडिकेशंस करेक्टली, यानी कि मेडिकेशन दवाइयों को हम जो सही तरीके से लेते हैं, करेक्ट वे में लेते हैं, वो हमारा मेडिकेशन अधेरेंस होता है। जिसमें होता क्या है कि पेशेंट अपनी सारे डायरेक्शंस को फॉलो करता है जो भी उसको एक प्रिस्क्राइब की होती है उसके डॉक्टर ने। तो जनरली हम ये कह सकते हैं कि दवाइयों का सही तरीके से इस्तेमाल करना, जैसे डॉक्टर ने बताया था, जो भी डायरेक्शन उसको दी थी, पेशेंट उसको फॉलो करता है तो वो हमारा मेडिकेशन अधेरेंस में आता है। साथ ही साथ इसके अंदर जो फैक्टर्स होते हैं जिसमें कि जो हमें प्रिस्क्रिप्शंस मिलती है बेसिकली, यानी कि जो प्रिस्क्रिप्शन हमें मिले हैं वो प्रॉपर ठीक तरीके से मिल पाते हैं, और जो हमारा एक याद करने का जो एक हमें रिमेम्बर यानी कि याद करने का जो एक टाइम होता है कि कब कौन सी दवा हमें लेनी है, किस टाइम पर लेनी है, उसको हम अच्छे से रिकॉल कर पाते हैं और हम समझ पाते हैं उन डायरेक्शंस को जो हमारी मेडिकेशन अधेरेंस में आती है, कि जो डॉक्टर जो
डॉक्टर ने हमें जो है दवाइयां प्रिस्क्राइब की हैं, मेडिकेशंस प्रिस्क्राइब की हैं, तो उसको हम समझ पाते हैं कि जो भी पेशेंट ने हमें डायरेक्शंस दी है कि क्या चीज आपको फॉलो करनी है, क्या आपको खान पान रखना है, कैसे दवाई लेनी है, वो सारे डायरेक्शंस हम फॉलो करते हैं तो वो हमारा मेडिकेशन अधेरेंस में आता है। नेक्स्ट, व्हाट इज अधेरेंस? अब ये अधेरेंस क्या होता है? ये एक बिहेवियर है किसी भी एक इंडिविजुअल का, जिसमें कि वो कितना डिवोटेड है, यानी कि कितना लगन से वो उसमें लगा हुआ है। अटैचमेंट यानी कि एक किस तरीके से उसे अपना अटैचमेंट है अपने ट्रीटमेंट से, तो डॉक्टर ने उसे दवाइयां लिखी हैं तो वो किस तरीके से फॉलो कर रहा है, अच्छे से कर रहा है। साथ ही साथ एक कमिटमेंट है उस पर्सन का, उसने कमिट कर लिया कि मेरे को अब ठीक होना ही होना है, जो मेरे डॉक्टर ने फिजिशियन ने मेरे को दवाइयां लिखी हैं, दवाइयां बताई हैं, और जो भी उसने डायरेक्शंस मेरे को बताई हैं, मैं वो सब फॉलो करूंगा, पालन करूंगा। तो ये अधेरेंस जो होता है उसका सिंपल साधारण जो अर्थ होता है वो सिर्फ पालन करना होता है, कि हम किस तरीके से पालन कर रहे हैं, कैसे हम फॉलो कर रहे हैं उसकी गाइडेंस को। जो भी एक जो हम ये कह सकते हैं जो भी एक पर्सन का एक्शन होता है, जैसे कि वो कब अपनी मेडिकेशन लेगा, साथ ही साथ वो अपनी डाइट को कैसे फॉलो करेगा और अपनी हेल्दी लाइफस्टाइल को कैसे मेंटेन करेगा, साथ ही साथ उसमें जो उसका एक हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स की रिकमेंडेशंस होती हैं, यानी कि जो एक डॉक्टर ने फिजिशियन ने फार्मासिस्ट ने जो भी उसको डायरेक्शंस दी हैं वो किस तरीके से उन्हें फॉलो करेगा, वो सब हमारा इस अधेरेंस में आता है। जब वो सारे डायरेक्शंस फॉलो करता है, सब कुछ मानता है जो डॉक्टर ने उसे बताया है, तो एक अच्छा अधेरेंस आता है, और जो मेडिकेशन वो दे रहा है तो वो मेडिकेशन अधेरेंस बन जाता है। मीन्स की दवाइयों का पालन करना, दवा का पालन करना वो अच्छे से हो पाता है। अब बात करते हैं कि व्हाट इज मेडिकेशन अधेरेंस, की मेडिकेशन अधेरेंस होती क्या है, ये तो हमने जान लिया क्या होती है, लेकिन और थोड़ा डिटेल में बात करते हैं। तो मेडिकेशन अधेरेंस को हम ये कह सकते हैं कि किसी भी एक इंडिविजुअल पेशेंट की क्षमता होती है, उसकी एबिलिटी होती है कि कैसे वो जो उसको उसके प्रिस्क्राइबर ने, उसके डॉक्टर ने, फार्मासिस्ट ने उसको रिकमेंडेशन किया है, उसको डायरेक्शन दिया, वो किस तरीके से उन्हें फॉलो कर रहा है अपने ऊपर अपने ट्रीटमेंट के लिए, वो हमारा एक मेडिकेशन अधेरेंस होता है। और वो कब फॉलो करता है? पूरे एक स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम में, जो भी एक टाइम पीरियड डॉक्टर देता है। मान लिया वो डॉक्टर के पास गया है एक पेशेंट, उसने बोला 4 दिन तक आप ये डायरेक्शंस फॉलो कीजिए, तो उस पर्टिकुलर 4 दिन तक जो भी आपके 4 दिन बच रहे हैं उसमें आपको कैसे डायरेक्शन फॉलो करना है, वो मेडिकेशन अधेरेंस में आता है। साथ ही साथ हम ये कह सकते हैं कि ये एक बहुत मोस्ट क्रिटिकल फैक्टर है किसी भी चीज को डिटरमाइन करने के लिए, जो हमारे थेरापेटिक आउटकम्स होते हैं उसको डिटरमाइन करने के लिए, उसका पता लगाने के लिए, और स्पेशली इन क्रॉनिक इलनेस, यानी जो पेशेंट्स को क्रॉनिक इलनेस हो जाती है उस कंडीशन में। साथ ही साथ जो भी ड्रग्स की एफिकेसी होती है वो ठीक से काम नहीं कर पाती जब तक एक पेशेंट जो है उनको करेक्ट वे में नहीं लेता है, सही तरीके से दवाइयों का सेवन नहीं करता है। तो ये जो दवाइयां हैं वो सही तरीके से काम जब ही करेंगी जब आप इनको एक सही तरीके से ही लेंगे, यानी कि करेक्ट वे में लेंगे, सही समय पर सही दवा को लेंगे, और सही रूट से कि कौन से रूट से लेना है, कि खाना है या पीना है या लगाना है, वो सब चीजें आप अच्छे से फॉलो करेंगे। और साथ ही साथ जो डायरेक्शंस जो आपको एक पेशेंट को बताई गई हैं डॉक्टर के द्वारा, फार्मासिस्ट के द्वारा, नर्सिंग स्टाफ के द्वारा, वो आप अच्छे से फॉलो करेंगे, तभी मेडिकेशन अधेरेंस अच्छा हो पाएगा और आपका उपचार भी ठीक समय पर सही तरीके से हो पाएगा। अब आगे बात करते हैं कॉम्प्लियंस की। कॉम्प्लियंस भी एक हमारा टर्म जो है बेसिकली वो यही है कि कैसे हम फॉलो करते हैं गाइडलाइंस को, जिसमें कि ये कहा गया है कि पेशेंट कैसे अपने जो भी उसका प्रोवाइडर है जिसने उसे मेडिकेशंस प्रोवाइड कराई है, चाहे वो प्रिस्क्राइब की है या उसको दी है या उसको समझाया है, तो वो कितना ओबीडियंट है, कितना उसके बातों को वो मान रहा है, कितना उसने समझा है, कैसे वो अपनी इन गाइडलाइंस को फॉलो कर रहा है, वो हमारा कॉम्प्लियंस में आता है। साथ ही साथ अब नॉन कॉम्प्लियंस मीन्स जो भी डॉक्टर ने उसे समझाया, फार्मासिस्ट ने समझाया, जो भी उसको डायरेक्शंस दी गई कब दवा लेनी है कैसे लेनी, जब वो उसमें फेल हो जाता है, ठीक से उनको फॉलो नहीं करता है या वो मना कर देता है, तो वो होता है हमारा नॉन कॉम्प्लियंस। आगे बात करते हैं परसिस्टेंस की। परसिस्टेंस क्या होता है? ये होता है ड्यूरेशन ऑफ टाइम, यानी कि जो पेशेंट अपनी मेडिकेशंस को लेता है स्टार्टिंग से लेके थेरेपी के डिसकंटिन्यूएशन तक, उसको हम परसिस्टेंस कहते हैं। मींस कि जिस दिन से उसकी थेरेपी स्टार्ट हुई, वो इनिशियल स्टेज से लेके जिस दिन उसकी थेरेपी बंद हुई, जिस दिन दवाइयां उसकी बंद हुई, तो वो टाइम पीरियड जो है स्पेसिफिक टाइम पीरियड वो कहलाता है हमारा परसिस्टेंस। अब आगे बात करते हैं कंडीशंस वेयर मेडिकेशंस अधेरेंस इज इंपॉर्टेंट, यानी ऐसी कौन कौन सी कंडीशंस हैं जहां पर मेडिकेशन अधेरेंस जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी कि दवाइयों का पालन करना सही तरीके से वो बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं
जो भी डॉक्टर दवाइयों को प्रिस्क्राइब करता है, मेडिकेशंस को प्रिस्क्राइब करता है, तो जो ये अधेरेंस है वो बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। जैसे हमारी कुछ क्रॉनिक कंडीशंस होती हैं, अब क्रॉनिक कंडीशंस में कौन कौन सी आ सकती हैं, जैसे हाइपरटेंशन, बीपी की कंडीशन हो जाती है, डायबिटीज जो है उसे जो है टाइमली जो है आपको दवाई लेनी पड़ती है, ये सारी कंडीशन जो होती है उनको ठीक करने के लिए हमें ये मेडिकेशन अधेरेंस इंपॉर्टेंट होता है कि सही समय से सही तरीके से दवाइयों को लें। और साथ ही साथ जो भी हमारी टेम्परेरी कंडीशंस होती हैं, या कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं जो भी हमारी एक ओवरऑल हेल्थ टर्म्स होती हैं, या हम ये भी कह सकते हैं कि जो वेलबींग यानी जो हमें ठीक होना है उसके लिए मेडिकेशन अधेरेंस बहुत इंपॉर्टेंट होता है। दवाइयों का पालन करना बहुत जरूरी होता है, तभी हम जल्दी से ठीक हो पाते हैं। जैसे क्रॉनिक कंडीशंस है बीपी की या डायबिटीज की, अगर इसमें मेडिकेशन अधेरेंस हमने फॉलो नहीं किया, डॉक्टर की बातें नहीं मानी, सही तरीके से दवाइयों को नहीं लिया, तो आगे जाके ये बहुत सीवियर बन जाएगी, जिसकी वजह से हमारे जीवन में हमारे लाइफस्टाइल में बहुत असर पड़ेगा इसका, और हम ठीक से नहीं एक अपना जीवन यापन कर पाएंगे। साथ ही साथ अगर हम डोज कोई मिस कर देते हैं, जैसे जो भी एक ड्रग है आपको प्रिस्क्राइब की है डॉक्टर ने, चाहे वो ब्लड प्रेशर में दी है, वो शुगर में दी है, या और कोई कंडीशंस है, तो उसमें चांसेस ये बन जाते हैं कि आपको और दिक्कतें होने लगती है। जैसे हमारी कुछ कंट्रोल क्लोरिन कंडीशंस होती है, वो क्या काम कर सकती है कि आगे जाके कुछ कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, जैसे स्ट्रोक्स आ सकते हैं, किडनी फेलियर जैसी कंडीशंस हो सकती हैं, तो इन चीजों से बचने के लिए हमें दवाइयों को सही समय से और सही तरीके से लेना बहुत जरूरी होता है, डॉक्टर की बातों को मानना बहुत जरूरी होता है। साथ ही साथ जो हमारी एंटी इन्फेक्टिव थेरेपी होती है किसी भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन के लिए, चाहे वो हमारा मॉडरेट लेवल हो या एक सीवियर लेवल हो, तो वहां पर इन कंडीशंस को भी डॉक्टर आपको डायरेक्शंस देता है, डॉक्टर जो आपको दवाइयां प्रिस्क्राइब करता है, वो सब चीजें आपको मानना बहुत जरूरी होता है। जब हम सारी चीजें फॉलो करेंगे तभी तो हम ठीक हो पाएंगे। अब अगर हमारी स्किन पर, हमारी बॉडी पे बैक्टीरियल इंफेक्शन हो गया है, हमने दवाई ठीक से नहीं ली, डॉक्टर की डायरेक्शंस को नहीं माना, यानी जो डॉक्टर ने हमें बताया था उसके बारे में हमने नहीं सही से समझा और ना ही हमने डॉक्टर की बातों का पालन किया, तो क्या होगा, हमारे स्किन पर वो बैक्टीरियल इंफेक्शन हमारा और फैलता चला जाएगा, और हमसे हमारे जो फैमिली मेंबर्स हैं, जो भी हमारे कॉन्टेक्ट में आएगा, उनको भी वो दिक्कत होगी और हमारी स्किन जो है खराब होने लगेगी। तो इन चीजों से बचने के लिए, ऐसी कंडीशन ना आए, ऐसी नौबत ना आए, तो हमें मेडिकेशन अधेरेंस बहुत जरूरी होता है। बात करते हैं जो हमारी प्लाज्मा कंसंट्रेशन का एक मेंटेनेंस होता है किस चीज के लिए, जो भी ड्रग हमारी होती है इस केस में वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, जिसकी जैसे एंटी डिप्रेसेंट होते हैं, एंटी कन्वर्सेंट होते हैं, या एंटी कैंसर ड्रग्स जो होती है, इन सबको टाइमली लेना बहुत जरूरी होता है। इस कंडीशन में जब हमारी ये ड्रग्स चल रही होती हैं, तो मेडिकेशन अधेरेंस बहुत जरूरी होता है, और साथ ही साथ क्या होता है, एक हमें जो है फ्रीक्वेंट रिलैप्स आ जाता है, जो हमारी साइकियाट्रिक या एपिलेप्टिक कंडीशंस होते हैं, अटैक्स आ जाते हैं, या एक ड्रग टॉक्सिसिटी जो है रेस्पेक्टिवली हमारी बॉडी के अंदर बढ़ जाती है जब हम इन ड्रग्स को टाइमली नहीं लेते हैं या हम ठीक तरीके से नहीं लेते। अब ठीक तरीका क्या हो सकता है, या तो हम जो है डोज अपनी मिस कर देते हैं, या हम डोज कम लेते हैं, या फिर हम डोज ज्यादा लेते हैं। कब, जब हम डॉक्टर की बातों को मानते ही नहीं है, उसने जब हमें प्रिस्क्राइब की थी दवाइयां, मेडिकेशन प्रिस्क्राइब किया उसने, तो उस वक्त हमने उसकी बातों को समझा ही नहीं, उससे अपनी क्रॉस क्वेश्चन भी नहीं गई। अगर आपके मन में डाउट था कि भाई इस दवा को कब लेना है, तो डॉक्टर से उसी वक्त पूछना था ना कि भाई इस दवा को डॉक्टर साहब हम कब लेंगे, आप प्लीज सर मेरे को ये बता दीजिए कि कैसे लेनी है दवा और किस समय पर लेनी है, क्यों लेनी है। तो ये सब चीजें हम तभी कर सकते हैं जब हम अच्छे से डॉक्टर की बातों को सुनते हैं और मानते हैं, और हम भी खुद कमिटेड हैं कि भाई जो बीमारी मेरे को हुई है वो मुझे जल्द से जल्द ठीक करनी है, चाहे उसके लिए मुझे अपना जो है एक जो मैं अपना सबसे बढ़िया मेरा भोजन है, यानी कि खाना जो सबसे ज्यादा प्रिय है उसको छोड़ना पड़े, तब ये चीज पॉसिबल हो पाती है। मेडिकेशन अधेरेंस जितना हम फॉलो करेंगे, दवाइयों का पालन जितना अच्छे तरीके से करेंगे, उतनी जल्दी हम ठीक होंगे। नेक्स्ट आता है, अगर हमारा कोई हाइपोथायरॉइडिज्म कंडीशन है उसका कोई ट्रीटमेंट चल रहा है, या डायबिटीज जो होते हैं बेसिकली उसका ट्रीटमेंट चल रहा है, हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपीज हमारी चल रही हैं, जैसे एक्सोजेनस थायरोक्सिन होता है, या इंसुलिन जो है बेसिकली हमें जब रिक्वायर्ड होता है, कब, डायबिटीज को मेंटेन करने के लिए, हमारी बॉडी के अंदर ब्लड शुगर लेवल को मेंटेन करने के लिए, तो उस टाइम पर मेडिकेशन अधेरेंस बहुत जरूरी होता है। जितना अच्छे से हम इन दवाइयों को लेंगे, डॉक्टर की बातों को, डॉक्टर की डायरेक्शंस को जितना अच्छे से फॉलो करेंगे, उतना हमारे लिए बहुत जरूरी है, और वो बहुत अच्छा होता है, बहुत
बेनिफिशियल होता है कि आगे जाके हम टाइमली और अच्छे तरीके से ठीक हो पाते हैं, ट्रीटमेंट हमें अच्छा मिलता है। नेक्स्ट अब बात करते हैं एक्सटेंट ऑफ नॉन अधेरेंस, यानी कि एक नॉन अधेरेंस को आप कह सकते हैं जहां पर हम फॉलो नहीं करते हैं, पालन नहीं करते हैं, तो उसका एक्सटेंट क्या हो सकता है, जैसे हमारे आउट पेशेंट कॉन्सेप्ट होते हैं, यानी कि जो हमारी नॉन अधेरेंस है, एक जनरल पॉपुलेशन जो है बेसिकली वो हमारी आती है एक 33% से कम में, लेकिन जो हमारे एंटीबायोटिक्स है, एंटीबायोटिक्स के लिए 33% है, लेकिन ये बहुत हाई हो जाती है 94% में हमारे हाइपरटेंशन की कंडीशन में, जो कि हमारा एक फर्स्ट ईयर ऑफ ट्रीटमेंट होता है, यानी कि जो हमारा एक स्टार्टिंग में ट्रीटमेंट चलता है वहां पर 90% लोग जो है पालन नहीं करते हैं कि किस तरीके से दवाई लेनी है, क्यों लेनी है और कैसे लेनी है, डॉक्टर की बातों को नहीं मानते हैं। इसका ये क्यों होता है इस तरीके से, इसका कारण सिर्फ और सिर्फ ये है कि हम गलत तरीके से इस्तेमाल करते हैं दवाइयों को, इनकरेक्ट यूज करते हैं। जैसे ये माना गया है, ये एस्टिमेट किया गया है कि जो हमारी 50% के जो टोटल प्रिस्क्रिप्शन होते हैं वो इस मेडिकेशन अधेरेंस को फॉलो करने में फेल हो जाते हैं और जो उनका एक एक्सपेक्टेड रिजल्ट होता है वो नहीं आ पाता है 50% पॉपुलेशन में। साथ ही साथ 14-21% हमारे पेशेंट्स ऐसे हैं जो कि कभी भी एक ओरिजिनल प्रिस्क्रिप्शन को फॉलो नहीं करते हैं, उसको फिल ही नहीं कर पाते हैं, ऐसी भी कंडीशंस हैं। क्यों है कि वो ठीक तरीके से एक करेक्ट वे में दवाइयों को यूज नहीं करते। पेशेंट जो है बेसिकली जो हमारी मेडिकेशंस होती हैं वो नॉन अधेरेंस में आ जाती है, बहुत डिफरेंट सिचुएशंस हैं, ऐसे सिचुएशंस आ जाती हैं, बहुत सारी ऐसी डिफरेंट सिचुएशंस हैं जहां पर पेशेंट ठीक से काम नहीं करता है, ठीक से अपनी जो है मेडिकेशन अधेरेंस फॉलो नहीं करता है। साथ ही साथ इनको हमने क्लासिफाई किया है पेशेंट्स की कंडीशन के ऊपर जो डिपेंड करती है कहां कहां पर, चाहे वो प्रिस्क्रिप्शन जो है उनका फॉलो हुआ, उसके बाद जो हमारी मेडिसिंस होती हैं वो कितने तरीके से उसे इस्तेमाल कर रहे हैं, कैसे यूज कर रहे हैं, ज्यादा यूज कर रहे हैं या बहुत कम यूज कर रहे हैं, साथ ही साथ जो नॉन प्रिस्क्रिप्शन मेडिकेशंस होती हैं वो यूज कर रहे हैं या नहीं, तो ये सारी कंडीशंस आती हैं। इस कंडीशन में देखते हैं हम कि ये नॉन अधेरेंस हो रहा है इनका या नहीं। साथ ही साथ अब आगे चले डिटरमिनेंट्स ऑफ मेडिकेशन अधेरेंस की, कैसे हम डिटरमाइन कर सकते हैं मेडिकेशन अधेरेंस को, तो हम बात करें ऐसी सिचुएशन आ जाती है ऑलमोस्ट कि जहां पर हमें एक हर पेशेंट का उसके बारे में पता लगाना जरूरी होता है, जिससे होता क्या है, इट इज डिफिकल्ट टू प्रेडिक्ट मेडिकेशन अधेरेंस, यानी कि बहुत सारी ऐसी कंडीशंस आ जाती हैं जहां पर हर पेशेंट का एक यूनिक व्यू होता है और हमें जो है उसके पास जाना भी बहुत जरूरी होता है, और ऐसी कंडीशन में बहुत डिफिकल्ट पड़ जाता है कि कैसे हम एक मेडिकेशन अधेरेंस का पता लगाएं। तो उसके लिए आपके एक होते हैं प्री डिस्पोजिंग फैक्टर्स और दूसरे होते हैं इनेबलिंग फैक्टर्स और थर्ड आता है रीएनफोर्सिंग फैक्टर्स। ये तीन फैक्टर्स हैं, इनके अकॉर्डिंग आप पता लगा सकते हैं। अब सबसे पहले हम बात करते हैं प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर्स की। तो प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर्स क्या होते हैं, ये वो फैक्टर्स होते हैं जो किसी भी एक पेशेंट को उसकी हेल्थ के रिगार्डिंग जो प्रिस्क्रिप्शन उसको मिला है उसको इन्फ्लुएंस करते हैं, और इसके अंदर क्या होता है, जो भी एक परसेप्शन होता है लोगों का अपने डिजीज के रिगार्डिंग या कितनी वो सिवियरिटी है, कितनी कंडीशन खराब है, और जो ट्रीटमेंट ऑप्शंस होते हैं उसके बारे में उन्हें समझाते हैं, और जो पेशेंट्स हैं जिन्हें पता ही नहीं है अपनी कंडीशंस का, और साथ ही साथ कुछ ऐसे कॉन्सिक्वेंसेस भी होते हैं कि उनकी जो नॉलेज है या जो अवेयरनेस है वो बहुत कम होती है, जिसकी वजह से ये कंडीशंस आ जाती हैं, तो उनको हम एनकरेज करते हैं, उनको समझाते हैं। साथ ही साथ हम बात करें ऐसे लोग जो बहुत कम अवेयर होते हैं, यानी कि जो उनके फाइनेंशियल कॉन्सिक्वेंसेस हैं उसकी वजह से वो नॉन अधेरेंस जो है बेसिकली ड्रग थेरेपी का हो जाता है, क्योंकि फाइनेंशियल कंडीशन उनकी ठीक नहीं है। एक जो हमें नीड होती है इमीडिएट रिलीफ की, या हम ये कह लें जो एक इंपेशेंस है जिससे कि हमारे फ्रीक्वेंट चेंजेस आ सकते हैं किसी भी कंडीशन में और एक ट्रीटमेंट स्ट्रेटेजी में, वो भी कंडीशन वेरी कर जाती है। साथ ही साथ हम इसको एग्रेवेट कर सकते हैं मेडिकेशंस को, कैसे, जो नॉन अधेरेंस बिहेवियर है उसके हम जो है उसको चेंज करा सकते हैं उस पर्टिकुलर पेशेंट का। साथ ही साथ हम ये भी उनको इन्फ्लुएंस कर सकते हैं कि जो मेडिकेशन अधेरेंस है उसका क्या फायदा होता है उसके बारे में भी हम उन्हें बता सकते हैं। साथ ही साथ जो हमारा मेडिकेशन अधेरेंस है उसको इन्फ्लुएंस कर सकते हैं साइकोलॉजिकल एक्सपीरियंस से, उस इंसान की फीलिंग्स के साथ कि कैसे आप इन जो है कम डोजेस को लेते हैं, या जो आपके सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर्स हैं तो उनके ऊपर उनको हम जागरूक कर सकते हैं उसके बारे में, उन्हें समझा करके, उन्हें बता करके हम उनको एनकरेज कर सकते हैं, इस तरीके से इनको हम जो है मेडिकेशन अधेरेंस के बारे में बता सकते हैं। नेक्स्ट आता है इनेबलिंग फैक्टर्स। अब ये फैक्टर्स क्या कहते हैं, जो भी एक हमारा कंसर्न होता है उनके रिसोर्सेज के लिए और जो उनके एक्सपर्टीज होता है उसके बारे में हम जो है उनके लिए चिंता करते हैं। साथ ही साथ इसमें एक पेशेंट्स की एबिलिटी आती है कि वो कितना इंगेज है अपने अधेरेंस में,
यानी कि जो प्रमोटिंग बिहेवियर्स है कि डॉक्टर के जो अपॉइंटमेंट है वो कितना एक्साइटेड है उस अपॉइंटमेंट को लेने में, जो भी उसकी कंडीशन है, तो जब उसे सही तरीके से पता होगा मेडिकेशन अधेरेंस के बारे में, तभी वो जो है खुद से इनिशिएट लेके डॉक्टर्स के अपॉइंटमेंट के लिए और एक्साइट रहेगा। साथ ही साथ जब वो फार्मेसी पे जाएगा और ऐसे ही और भी किसी अगर हमारे हेल्थ केयर प्रोवाइडर से वो मिलेगा तो उनसे अच्छे से बात करेगा, चीजों को समझेगा, उनकी गाइडेंस को फॉलो करेगा, ये होता है हमारे इनेबलिंग फैक्टर्स में। तो इस तरीके की रिसोर्सेज अवेलेबल कराते हैं कि जिससे ये खुद जो है इनिशिएट देते हैं हर चीजों में, जो भी उनके स्वास्थ्य को लेकर हेल्थ को लेकर चीजें हो सकती हैं, जो भी हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स हैं उनसे अच्छे से डील करेंगे, उनसे अच्छे से बात करेंगे, उनकी गाइडेंस को फॉलो करेंगे। नेक्स्ट आ जाता है हमारा रीएनफोर्सिंग फैक्टर्स। अब ये रीएनफोर्सिंग फैक्टर्स क्या कहते हैं कि जो भी एक हमारे सपोर्टिव इन्फ्लुएंसेस होते हैं जैसे फैमिली या हमारा पीयर प्रेशर, इनको भी हम जो है इंक्लूड करके एक इंडिविजुअल को हम इन्फ्लुएंस कर सकते हैं एक रिगार्डिंग किस चीज के, जो उनके मेडिकेशन अधेरेंस है उसके बारे में उन्हें समझाने के लिए। अब चाहे उसमें हमें उनके कोवर्कर को यूज करना पड़े या उनके फैमिली मेंबर्स को यूज करना पड़े, उनके फ्रेंड्स को यूज करना पड़े, ये होता है हमारा रीएनफोर्सिंग फैक्टर्स, या कम्युनिटी और सोसाइटी है उनका इस्तेमाल करना पड़े, उस पे हमें उनके कोई सेट एग्जांपल्स रखने पड़े, उन्हें समझाना पड़े कि क्या मेडिकेशन अधेरेंस का फायदा होता है। तो ये हमारे कुछ डिटर्मिनेंट फैक्टर्स है जिससे मेडिकेशन अधेरेंस के बारे में लोगों को बता सकते हैं, उन्हें समझा सकते हैं। अब बात करते हैं फैक्टर्स कॉडिंग मेडिकेशन नॉन अधेरेंस एंड सजेस्टिव मेजर्स टू इंप्रूव अधेरेंस की, ऐसे कौन कौन से फैक्टर हैं जो मेडिकेशन नॉन अधेरेंस को बढ़ावा देते हैं और सजेस्टिव मेजर्स क्या क्या हो सकते हैं अधेरेंस को इंप्रूव करने के लिए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं डिजीज एंड प्रिस्क्रिप्शन फैक्टर्स। डिजीज एंड प्रिस्क्रिप्शन फैक्टर्स में जो भी पेशेंट्स हमारे होते हैं लॉन्ग टर्म थेरेपी के जाते हैं, जैसे कैंसर के या अर्थराइटिस के या हाइपरटेंशन के या डायबिटीज के जो ट्रीटमेंट्स इनके होते हैं, तो उससे होता क्या है ये आगे जाके जो है डेली डोज पे जो है आगे लुक फॉरवर्ड करते हैं। तो इस तरीके से हम पेशेंट्स के बारे में उनको समझा सकते हैं। साथ ही साथ जो पेशेंट्स होते हैं अनकॉन्शियस, या हम ये कह सकते हैं कि जो ठीक से जो है एक जो हमारा हॉस्पिटल स्टाफ है या जो हमारी डिसएबिलिटीज होती हैं उन लोगों की, तो हम उनको जो है अनेबल टू सेल्फ एडमिनिस्टर मेडिसिन, ऐसे में उन लोगों को हम जो है सेल्फ मेडिकेशन के लिए हम जो है उनको नहीं बढ़ावा दे सकते हैं। तो ये भी कुछ फैक्टर्स होते हैं जो हमारे मेडिकेशन नॉन अधेरेंस को जो है एक तरीके से बढ़ावा देते हैं। साथ ही साथ जिन लोगों को मेंटल इलनेस होती है, दिमागी रूप से ठीक नहीं होते हैं, और उनको जो है दवाइयां देना एक बहुत डिफिकल्ट टास्क हो जाता है कि उसके ट्रीटमेंट में पार्टिसिपेट करवा सके हम उसको, उसको तो पता ही नहीं है वो क्या कर रहा है। तो ऐसी कंडीशन में हो जाता है कि नॉन अधेरेंस फॉलो होता है, मेडिकेशन ठीक से नहीं हो पाती है। ऐसी कंडीशन में हमारा जो एक रीएनफोर्समेंट होता है कॉम्प्लेंस का, वो बहुत क्रिटिकल बन जाता है कि हम उसको जो है एक फैमिली के जरिए, उसके फ्रेंड्स के जरिए भी उसको हम जो है सपोर्ट नहीं कर पाते हैं ठीक से। साथ ही साथ जो हमारे डॉक्टर या फार्मासिस्ट होते हैं वो भी लोगों को बताएं, उनको कोच यानी कि ट्रेनिंग प्रोवाइड कराएं कि क्या इनका फायदा होता है मेडिकेशन अधेरेंस का, पेशेंट्स को समझाएं कि दवाइयों को ठीक से लेने में क्या फायदा होता है, एक सही समय पर इनको लेने से क्या फायदा होता है। तो इन सब चीजों के बारे में उनको बताना चाहिए कि डॉक्टर की, फार्मासिस्ट की या जो भी हमारे हेल्थ केयर प्रोवाइडर होते हैं उनकी और डायरेक्शंस को आप फॉलो करेंगे तो उसके क्या बेनिफिट हो सकता है, उस चीज के बारे में समझाना चाहिए। जैसे कि हम उनके अंदर एक जो हमारा काउंसलर होता है जो पेशेंट को काउंसिल कर सकता है, उनके काउंसलर और पेशेंट के बीच में रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, उसको डेवलप कर सकते हैं, जिससे कि उनका कम्युनिकेशन इंप्रूव होगा और साथ ही साथ जो एक पेशेंट है या जो केयर गिवर है उनके बीच का रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग होगा और वो अच्छे से शेयरिंग कर पाएगा वो पेशेंट भी। साथ ही साथ जो भी एक डिटेल्ड ट्रीटमेंट होता है हमारा उसके बारे में उन्हें हम समझाएं और जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो उनको हम फॉलो कराएं, क्या क्या एडवांटेजेस हो सकते हैं, क्या ड्रॉबैक्स हो सकते हैं ट्रीटमेंट के, उसके बारे में उन्हें समझाएं, तो ये चीज से भी हमारा एक मेडिकेशन अधेरेंस सुधर सकता है। साथ ही साथ जितने भी हमारे सेशन होते हैं सबका हम फॉलोअप लें, ठीक है, हर सेशन में उनसे बात करें और उनको एनकरेज करें पेशेंट्स को कि कैसे वो अपने ट्रीटमेंट पे स्टिक रह सकते हैं, कि कैसे वो लगातार ट्रीटमेंट ले सकते हैं, क्या उनका प्लान है ट्रीटमेंट का, और साथ ही साथ उनके जो लाइफस्टाइल चेंजेस है वो क्या क्या उन्हें करने पड़ेंगे अपनी लाइफ में, उसके बारे में उन्हें समझाएं। तो इस तरीके से हम जो है एक अधेरेंस को इम्प्रूव कर सकते हैं। अब बात करते हैं ड्रग रिलेटेड फैक्टर्स के। ड्रग रिलेटेड फैक्टर्स क्या क्या हो सकते हैं, साइड इफेक्ट्स जो है बेसिकली ये हो जाते हैं तो इसकी वजह से अधेरेंस ठीक से नहीं हो पाता। मेडिसिन की कॉस्ट इतनी हाई होती है कि जो बहुत से लोग हैं वो इन मेडिसिन को अफोर्ड नहीं कर पाते। साथ ही साथ जो लेबल और इंस्ट्रक्शंस होते हैं वो ठीक तरीके से नहीं होते हैं तो उसकी वजह से दिक्कत हो जाती है, अधेरेंस ठीक से फॉलो नहीं होता। पैकिंग
ये भी वेरी कर जाती है। साथ ही साथ जो हमारा एक एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया है कि हम जो ड्रग्स को एक्सेप्ट करते हैं वो हमारा बहुत ठीक नहीं है, और हम मेडिसिन को जो एडमिनिस्टर करते हैं वो किस तरीके से होना चाहिए, ये सारे हमारे ड्रग रिलेटेड फैक्टर्स में आते हैं जिससे हमें दिक्कत होती है। और एक प्रिस्क्रिप्शन इनकम्प्लीट है तब भी ये कंडीशन बन जाती है कि अधरेंस ठीक से फॉलो नहीं होता, ये हमारे ड्रग रिलेटेड फैक्टर्स में आते हैं। अब बात करते हैं फैसिलिटी रिलेटेड फैक्टर्स में, कि फैसिलिटी रिलेटेड फैक्टर्स में क्या क्या हो सकता है। जैसे जो लोग बहुत एक लंबे समय के लिए ट्रेवल करते हैं और दवाइयां लेके जाते हैं, तो एक अनअवेलेबिलिटी हो सकती है उन मेडिसिन की पर्टिकुलर प्लेसेस पे, जहां पर वो उनको नहीं ले पाते, यानी कि अगर उन्होंने खरीदी नहीं है दवा और दवा की रिक्वायरमेंट है, उन्हें वो ड्रग उसी टाइम पर चाहिए, तो फार्मेसी पे हो सकता है कि वो चीज अवेलेबल ना हो, तो ऐसी कंडीशन में जो है दिक्कतें हो जाती हैं। या फिर एक रेफ्रिजरेटर नहीं होता हर समय हमारे पास कि जहां पर हम इंसुलिन इंजेक्शंस को स्टोर करके रख सके, वैक्सीन को स्टोर करके रख सके, तो ये हमारे फैसिलिटी रिलेटेड फैक्टर्स में आ जाते हैं। अब बात करते हैं फार्मेसी रिलेटेड फैक्टर्स में, तो यहाँ पर क्या हो सकता है कि फार्मेसी प्रैक्टिस, जो भी वहां पर एक इंडिविजुअल ड्रग्स को प्रिस्क्राइब ड्रग्स को कंपाउंड कर रहा है या डिस्पेंस कर रहा है, तो उसकी प्रैक्टिस ठीक से नहीं हुई है, ठीक है, सेल्फ मेडिकेशन के बारे में ठीक से नहीं बता पा रहा है, या इंडिविजुअल ड्रग थेरेपी कैसे हो सकती है उसके बारे में ठीक से नहीं बता पा रहा है, तो ये हमारे फार्मेसी रिलेटेड फैक्टर्स हो सकते हैं। इसी तरीके से बात करते हैं पेशेंट रिलेटेड फैक्टर्स की, कि पेशेंट रिलेटेड फैक्टर्स क्या क्या होते हैं, ह्यूमन बिहेवियर, उनका जो नेचर है वही समझ नहीं आता है कभी कभी, बर्ताव बहुत अलग होता है, इंटरनेशनल डिसकंटिन्यूएशन ऑफ थेरेपी, यानी कि अपनी थेरेपी को जो है वो कंटिन्यू नहीं रख पाते हैं, चाहे वो किसी भी कारणवश हो, चाहे वो बाहर रहते हैं कहीं भी, फिजिकल एडमिनिस्ट्रेशन जो है ड्रग्स का वो ठीक से नहीं समझ पाते हैं, तब अधरेंस ठीक से नहीं हो पाता। एक जो साइड इफेक्ट्स को टॉलरेट करने की या जो हमारे एडवर्स ड्रग रिएक्शंस को टॉलरेट करने की उनकी क्षमता हो जाती है, वो डॉक्टर को बताते ही नहीं है, तब भी अधरेंस ठीक से नहीं हो पाता है। सोशल हैबिट्स जो है वो हमें जो है सुधार करने पड़ेंगे, तो ये कुछ फैक्टर्स हैं जिनको हम ओवरकम कर सकते हैं अपने अधेरेंस को। इन सारे फैक्टर्स को अगर हम स्ट्रॉन्ग कर लें, इनके ऊपर हम काम कर लें, इन सब चीजों को अगर अपने जीवन में हम फॉलो करने लगे अपनी लाइफ में, तो हमारा जो एक मेडिकेशन अधेरेंस है वो बहुत ज्यादा इंप्रूव हो सकता है, सही समय से सही तरीके से सही दवा को हम ले पाएंगे, और डॉक्टर के इंस्ट्रक्शन जितने हम फॉलो करेंगे उतना फायदा हमें होता है। तो इस लेक्चर में हमने यही जाना कि मेडिकेशन अधरेंस क्या होता है। होपफुली आपको इस लेक्चर में सारे टॉपिक्स क्लियर हुए होंगे, आपको मेडिकेशन अधरेंस के बारे में पता चला होगा कि कैसे हमें क्या करना चाहिए। तो इसी तरीके की मोर अपडेट्स के लिए बने रहिए फार्मेसी इंडिया लाइव के साथ। डरने की है क्या बात जब फार्मेसी इंडिया लाइव है आपके साथ।